नमस्ते आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया मैं आपके साथ प्रियंका कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं आइए आज के मुख्य समाचारों पर एक नज़र डालते हैं अमेरिका के लिए पहली बना चीन चीनी जासूसों ने अमेरिका में बनाई पैठ लेकिन सी आई ए अब भी चीन के राज जाने में लाचार अमेरिकी जासूसी एजेंसियों के लिए चीन हाट टारगेट बन गया है चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग के पैतरों को भेद पाने में अमेरिका एजेंसियां नाकाम साबित हो रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी लाचार नजर आ रही है जबकि चीनी जासूसों ने अमेरिका पर अपनी पैठ बनाई हुई है एक टॉप सीक्रेट अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए चीन पहली बन गया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के अनुसार चीन ने लगभग दो दशक के दौरान ऐसा आयरन कर्टन विकसित किया है कि अमेरिका इसे भेद नहीं कर पा रहा है बोल्टन कहते हैं कि जासूसी में अमेरिका अब काफ़ी हद तक साइबर और एआई पर ही निर्भर है मानवीय इनपुट कम हो गया है चीन में अमेरिकी जासूस बेहद कम बचे हैं पांच मामले जहां अमेरिका की नाकामी दिखी चीन का हांगकांग पर नियंत्रण चीन ने हांगकांग पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है अमेरिका चीन के इस कदम के बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सका दक्षिण चीन सागर चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया है चीन इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के आदेशों की भी सरेआम अवेलना कर रहा है कोरोना की उत्पत्ति कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रपति बाइडेन ने जासूसी एजेंसियों को काम पर लगाया लेकिन उन्हें अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली चीनी कंपनियां अमेरिकी में अंडरकट चीन कंपनियों पर लोक नहीं लग पाई है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा चीन आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है साइबर हमले चीनी सरकार समर्थित हैकरों के साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर इन हमलों पर प्रभावी रोक नहीं पा रहा है चीनी हैकर अमेरिकी रक्षा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अक्सर साइबर हमले करते रहते हैं अमेरिका इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है चीनी बोले वाले जासूस कम खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका के पास चीनी भाषा बोलने वाले जासूसों की कमी है ऐसे में अमेरिकी जासूसों का दायरा सीमित हो जाता है सत्ता के गलियारों में भी अमेरिकी जासूस अहम सूचनाएं नहीं जुटा पाते हैं चीन मिशन सेंटर बनाना पड़ा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पिछड़ने के कारण अमेरिका को चीन मिशन सेंटर बनाना पड़ा है सी के नि नि निदेशक बिल बर्न्स का कहना है कि मिशन का उद्देश्य खुफिया सूचनाओं को बीजिंग से तुरंत पहुंचाना है जिससे तुरंत निर्णय कर सके 2017 में कई जासूसों का सफाया चीन में 17 में काउंटर इंटेलिजेंस अभियान के दौरान कई अमेरिकी जासूसों का सफाया किया गया चीनी सरकार ने कई जासूसों की मौत की सजा दी तो कईयों को गायब करा दिया कई अमेरिकी जासूस चीन की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी अमेरिकी जासूसों पर कराई के आदेश दिए हैं तो आज के लिए इतना ही बाकी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद